हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी प्रीसेल पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर सेट बाइज कराई जा रही है, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपोर्टेंट साबित होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी की भी सीरीज सेट बाइज स्टार्ट की गई है, तो वह वीडियो भी आप पूरा देख सकते हैं। ये एनटीपीसी सीरीज का सेकेंड भाग है, तो वीडियो को पूरा देखिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला जीके का प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, थोरियम। मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज मौजूद होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चयनित पाठ की कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन ये है, कट प्लस बी का या ऑप्शन बी, ऑल्ट प्लस सी का या ऑप्शन सी, कट प्लस सी का या ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस सी का। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, कट प्लस सी का। किसी भी पाठ्यक्रम में कॉपी करने के लिए हम कट प्लस सी का उपयोग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? आपको सामने ऑप्शन ये रहे, ए बी डिविलियर्स के पास या ऑप्शन बी, बेडन मैकलम के पास या ऑप्शन सी, विप रिचर्ड्स के पास या ऑप्शन डी, कपिल देव के पास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रेन मैकलम के पास, जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का फर्स्ट रिकॉर्ड इनके पास है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, सेंट एंजेलो फोर्ट। सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, सेंट एंजेलो फोर्ट का। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन फर्स्ट, सेरिंगापट्टनम की संधि के साथ तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सेरिंगापट्टनम की संधि के साथ। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। डायोड को एक डेज के रूप में प्रयोग किया जाता है, इनमें से डायोड को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेक्टिफायर के रूप में या ऑप्शन बी एम्पलीफायर के रूप में या ऑप्शन सी मैग्नीफायर के रूप में या ऑप्शन डी प्यूरीफायर के रूप में। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, रेक्टिफायर के रूप में, डायोड को एक रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक ब्लोटिंग पेपर सीआई कैसे सोखता है? सीआई सुखाकर या ऑप्शन बी केशिका क्रिया के द्वारा या ऑप्शन सी ठोसकरण के द्वारा या ऑप्शन डी बाष्पीकरण के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केशिका क्रिया के द्वारा। एक ब्लोटिंग पेपर जो सीआई सोख लेता है वह एक केशिका क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले आंसर अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? ऑप्शन ए लाल या ऑप्शन बी नारंगी तरंग दैर्ध्य या ऑप्शन सी नीली या ऑप्शन डी बैंगनी तरंग दैर्ध्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंगनी तरंग दैर्ध्य। बैंगनी तरंग दैर्ध्य की सबसे कम आवृत्ति होती है और सबसे ज़्यादा लाल तरंग दैर्ध्य की होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंगनी, याद रखिए गाइस। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हीलियम या ऑप्शन बी प्रोपेन ये ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी नाइट्रोजन।
हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोपेन। गर्म हवा के गुब्बारों में प्रोपेन नामक गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा प्रोपेन। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है? इनमें से वह कोचिंग बंदरगाह है, ये ऑप्शन बी मुंबई का बंदरगाह, ये ऑप्शन सी कोलकाता का बंदरगाह, ये ऑप्शन डी तूतीकोरिन का बंदरगाह। जो एक नदी तटीय बंदरगाह है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह एक नदी के तट के किनारे पर स्थित एक बंदरगाह है जिसे हम नदी तटीय बंदरगाह कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। और ये बाकी कोच्ची मुंबई या तूतीकोरिन ये सारे समुद्र के किनारे के बंदरगाह हैं, अकेला कोलकाता बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है जो नदी के तट के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 13.7 बिलियन वर्ष हमारा ब्रह्मांड पुराना है, जिसे वैज्ञानिकों ने माना है कि इतने वर्ष हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, ठीक है, 13.7 बिलियन पूर्व हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। इसका जो इसकी सापेक्षता है वो ब्लैक होल थ्योरी में दी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है हमारा ब्रह्मांड। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। ज़्यादा हिमीकरण के कारण पानी के पाइप आपने देखा होगा फट जाते हैं, ये किसके कारण होता है? एक्सपॉन्शन के द्वारा या कॉन्ट्रोकेशन के द्वारा, या ऑप्शन सी ह्यूमिडिफिकेशन के द्वारा, या ऑप्शन डी प्रेसिपिटेशन के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सपॉन्शन के द्वारा ज़्यादा तापमान होता है तो पानी के पाइप फट जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट जब बढ़ जाता है, जो पाइप में जो पानी रहता है वो जम जाता है, तो उसके कारण प्रेशर लगता है और प्रेशर के कारण ये फट जाते हैं, जिसे हम एक्सपॉन्शन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोहा। हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में मौजूद होता है उसमें लोहा नामक धातु मौजूद होती है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1924 में, ये ऑप्शन बी 1926 में, ये ऑप्शन सी 1930 में, ये ऑप्शन डी 1932 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1932 में। 1932 में महात्मा गांधी और श्री भीमराव अंबेडकर द्वारा पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1932 में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? मोलिसा ए, ये ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ये ऑप्शन सी लोबगेट, ये ऑप्शन डी नोटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नोटन। नोटन एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, बाकी ये तीनों एक कंप्यूटर वायरस हैं जो कंप्यूटर को बहुत ही अधिक मात्रा में संक्रमित करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा नोटन। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। पिचर शब्द का प्रयोग इनमें से किस खेल में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेसबॉल। पिचर शब्द का प्रयोग बेसबॉल में किया जाता है। बेसबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है गाइस? यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, ये भी याद रखिए, ठीक है, बेसबॉल। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एसएमएस का जनक इनमें से किसे माना जाता है?
जेन कुम को ये ऑप्शन बी, मेंटी मेको नैन को ये ऑप्शन सी, रिचर्ड जार्विस को ये ऑप्शन डी, स्टीव जॉब्स को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंटी मेको नैन को, एसएमएस का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मेंटी मेको नैन। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेसोजोइक ईरा के अंतर्गत डायनासोर अस्तित्व में आए थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मेसोजोइक ईरा के अंदर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गाइस याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 0 माइल्स स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं, यह कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागपुर। 0 माइल स्टोन जो ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि इस बिंदुओं का प्रयोग करके दूरियों को मापने के लिए करते हैं, यह नागपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिए इसे, ऑप्शन सी नागपुर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारण के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में अगर कोई भी गैर कानूनी कारण हो रहा हो या किसी कारण से वहाँ पे मुख्यमंत्री ना हो, तो उस राज्य पे 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगा था, यह भी याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 356 आर्टिकल के अंतर्गत। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मछली में। यह एक प्रकार की ऐसी मछली होती है जिसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब मनुष्य में ताप नियमन को डिश द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इनमें से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है मनुष्य के ताप नियमन को? इसका राइट आंसर होगा गाइस, ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस द्वारा मनुष्य के ताप को नियंत्रित किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अब अगले प्रश्न की ओर। किस सारंगी वादक को 2015 और 2016 के लिए पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित राम नारायण जी को। पंडित राम नारायण जी को 2015 और 16 के अंतर्गत भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बोना ग्रह मौजूद है? ऑप्शन ए मेकमेन ग्रह, ये ऑप्शन बी प्लूटो, ये ऑप्शन सी सारेंस, ये ऑप्शन डी एरिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारेंस। सारेंस क्षुद्र ग्रह बेल्ट में मौजूद एक बोना ग्रह के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सारेंस। चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत इनमें से किस देश में हुई थी? मेलबोर्न में, ये ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ये ऑप्शन सी बर्मिंघम में, ये ऑप्शन डी लंदन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्मिंघम में। बर्मिंघम में आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत की गई थी, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्मिंघम, जो इंग्लैंड में स्थित है। सॉरी गैस, इंग्लैंड में। ठीक है, चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब यस बैंक के वर्तमान सीईओ इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राणा कपूर।
गाइस 2015 के हिसाब से यस बैंक के वर्तमान सीईओ राणा कपूर थे, बट प्रेजेंट टाइम में प्रशांत कुमार हैं, ठीक है। यस बैंक के वर्तमान सीईओ 2020 में प्रशांत कुमार, अब ये याद रखिए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब पोतला महल का इनमें से क्या महत्व है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दलाई लामा सर्दियों के समय का पुराना आश्रम स्थल को हम पोतला महल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, दलाई लामा का पुराना आश्रय स्थल, ठीक है। चलते हमारे अब अगले प्रश्न की ओर। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद इनमें से किसके द्वारा किया गया था, किस अंग्रेज ने किया था? ऑप्शन ए एच जी वेल्स द्वारा, या ऑप्शन बी जॉर्ज बुलर द्वारा, या ऑप्शन सी राल्फ ग्रिफिक द्वारा, या ऑप्शन डी एच एच विल्सन द्वारा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज बुलर द्वारा। जॉर्ज बुलर द्वारा मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, जॉर्ज बुलर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस कवक को एक कवक नाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इनमें से वह कौन सा कवक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्राइकोडोमा हाजनी यानम, जो एक कवक नाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपने नाम देता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉमिनल पार्टनर। जो एक व्यक्ति एक साझेदार फर्म को केवल बस अपना नाम देता है, उसे हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? 35वें संशोधन के अंतर्गत, या ऑप्शन बी 42वें संशोधन के अंतर्गत, या ऑप्शन सी 91वें, या ऑप्शन डी 72वें संशोधन के अंतर्गत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वें संशोधन के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में संशोधित किया गया था, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि 1976 के में आता है। 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना ने चेंज किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को, ठीक है गाइस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इनमें से कौन है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजीत डोभाल। अजीत डोभाल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार हैं, ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में भी 2020 के बीच में भी अजीत डोभाल ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नामित हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अजीत डोभाल। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? अमोनिया में, ये ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये ऑप्शन सी ऑक्सीजन में, ये ऑप्शन डी हाइड्रोजन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमोनिया। अमोनिया में एक तीखी गंध मौजूद होती है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अमोनिया। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक बिशुक एक वर्ष में कितनी बार आता है? एक बार, ये ऑप्शन बी दो बार, ये ऑप्शन सी तीन बार, ये ऑप्शन डी चार बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दो बार। बिशुक का मतलब होता है कि किसी ग्रह पर दिनों रात समान रूप मतलब 24 घंटे की हो, उसे बिशुक कहते हैं, जो वर्ष में दो बार आता है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेसी
प्रेसिपिटेशन कहते हैं जो भी पानी बादलों से गिरता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्रेसिपिटेशन। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? यूनानी शैली को या ऑप्शन बी, भूमिज शैली को या ऑप्शन सी, बैसरा शैली को या ऑप्शन डी, नागर शैली को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागर शैली को। ठीक है, खजुराहो जो मंदिर है वो नागर शैली वास्तुकला के अंतर्गत बना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और खजुराहो का मंदिर चंदलों द्वारा बनवाया गया था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नागर शैली से बना है ये मंदिर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय टेलीकॉम द्वारा हाइक मैसेंजर एप्लीकेशन को किस दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉफ्टबैंक। सॉफ्टबैंक के साथ इस ऐप को विकसित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आई थिंक ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा गाइस। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सिरका का या ऑप्शन बी, बैंकिंग सोडा का या ऑप्शन सी, एलम का या ऑप्शन डी, टार्टरिक एसिड का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलम का, ठीक है। जल शोधन के लिए हम एलम का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। हमारा लास्ट प्रश्न है, हमारे दंत बल्ब खालिस्तान से बने होते हैं? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे दंत बल्ब कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कैल्शियम फॉस्फेट। चलते हैं हमारे 16वें नंबर के प्रश्न की ओर। शायद हमारे पूर्ण प्रश्न हो गए हैं, नहीं गाइस लास्ट प्रश्न बचा है हमारा। एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं डैश होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? जो एक ही रेखा है वो लंबवत रेखाएं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। हमने आप पूरे 14 प्रश्न सीरीज वाइज करवा दिए गए हैं, तो हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक, धन्यवाद गाइस।